पहुंचनी चाहिए, पानी पहुंचना चाहिए। थोड़ी बहुत ही गलतियां हो जाती हैं, उनको हमने नजरअंदाज करना है और हमने एक होकर रहना है। मैं आप सबका शुक्रिया। बुखारी साहब का नाम जो है वो चर्चा में रहा, तमाम पार्टी के सीनियर लीडर, चाहे वो रैना साहब हूँ, कोल साहब हूँ, कोल जी से बात हो रही थी तो उन्होंने हमें यही मैसेज, संजय जी से भी बात हुई कोल साहब की और मेरी भी हुई, उन्होंने एक पैगाम पीर साहब हुआ है। जब से पीर साहब ने ज्वाइन किया मैंने कभी भी अपने ये नहीं सोचा कि मैं वहां बैठूं, मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं लास्ट चेयर पे बैठूं और पीर साहब फ्रंट चेयर पे बैठे, और इंशाल्लाह मैंने ईमानदारी से लास्ट हद तक, जेडियो साहब हमारे साथ थे जब हम बश्तार बुखारी साहब के घर गए, हमने वहां पर भी अपनी बात रखी, हमने वहां पर भी यही कहा कि आप मेहताब साहब को मौका दें, इस बार मेहताब साहब के ऊपर हाथ रखे। आज जगह जगह सड़कें निकल चुकी हैं, कुछ लोग जाके आज जाके लोगों को ऐसा बोलते हैं कि जी सड़कें ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। वाजपेयी ने जब किया जनता पार्टी, अब ये जनता पार्टी मेहताब पहाड़ी साहब, मेहताब पहाड़ी साहब, मेहताब पहाड़ी साहब, मीटिंग का मकसद ये था कि हमारा ये जो बीजेपी का मैंडेट है ये अनाउंस हो चुका है मुश्ताक बहारी साहब के नाम, तो कल उन्होंने आना है, तो उसके लिए हमने एक अपनी बरादरी को बुलाया था कि इसमें क्या तैयारी करनी है, कल किस तरह से हमने भेजी जाना है, और दूसरा लोगों को घर घर जाके ये पैगाम देना है कि बीजेपी ने हमें एसटी स्टेटस दिया है, हमारे इस 40-50 साल जो जदोजहद थी इसमें हम कामयाब हुए हैं, और इसमें ये पुराने लोगों का बहारी साहब हो गए, शबीर खान साहब हो गए, मरहूम बांडे हो गए, रजौरी के वो मिर्ज़ा अब्दुल रशीद साहब, और जो जितने भी पुराने लोग थे जिन लोगों की मेहनत रंग लाई है, और सबकी इन इस मेहनत की वजह से हमें एसटी स्टेटस मिला है। अब हमारी सब पूरी पहाड़ी कबीले से, पहाड़ी कौम से यही अपील है कि सब इकट्ठे होके, ये हमारा ये बड़ा सुनहरी टाइम है, इकट्ठे होके हम एक यकमुश्त होके बहारी साहब के हक में, बीजेपी के हक में वोट डालें ताकि हमारी कामयाबी हो।